हाय फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है गुलकंद बनाना। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया है, जो रोज़ फ्लावर्स होते हैं उसकी ये पेटल्स जो है, पत्तियाँ, इनको सेपरेट कर लिया है। इनको सेपरेट करने के बाद हमने इसको कपड़े पर थोड़ी देर के लिए ऐसे दूर दूर करके ऐसे ऐसे सुखा दिया था ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। अब ये इसका पानी अच्छे से सूख चुका है। इसके बाद हमने क्या किया है, इन सारी पत्तियों को इस बास्केट में डालकर और अच्छे से ऐसे शेक किया है ताकि इसके ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ये सारे निकल जाएं। अभी हमारी पत्तियां रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, एक लेयर इन पत्तियों की और एक लेयर हम शुगर की डालेंगे। देखिए, हमने ऑलरेडी डालना स्टार्ट कर दिया है। हमने एक लेयर डाली और उसके ऊपर अराउंड 2 स्पून शुगर डाली है। देख लिए, एक लेयर अराउंड इतनी पत्तियाँ हमको लेनी है, 1 हैंडफुल, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने शुगर डाल दी है। अब हम वापस से इसकी लेयर ऊपर अच्छे से डाल देंगे। ये देखिए, मैंने इसमें अराउंड 5 लेयर बना दी है और हर लेयर के बाद इतनी अराउंड 2 टेबलस्पून शुगर मैंने इस पर इस तरह से स्प्रिंकल कर दी है। अब इसको हम थोड़ा ऐसे मिक्स करके और इसका लिड लगा देंगे और इसे धूप में रख देंगे। ये मैंने स्टील का डब्बा लिया है, बट बेस्ट यही होगा कि आप कांच का डब्बा लें। अब इसे हम धूप में रख देंगे। इस डब्बे को हमने 10 दिन तक धूप में रखा है और रोज़ इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे हिला देना या फिर स्पून लेके और अंदर से गुलगंद को अच्छे से हिला देना है। अब 10 दिन आज पूरे हो गए हैं और अब हम इसमें से इसे खोलकर इसके अंदर से गुलगंद निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा गुलगंद बन के तैयार हो गया है। मैंने इसमें डब्बे में से निकालने से पहले थोड़ा सा इसके अंदर एनीसीड मिला दिए हैं, सौंफ। सौंफ मिलाने से हमारा गुलगंद और भी हेल्दी और बॉडी के लिए काफ़ी कूलिंग इफेक्ट वाला हो जाता है। तो देखिए, हमारा टेस्टी गुलकंद तैयार है, कम शुगर वाला और बहुत ही हेल्दी है। आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको रेसिपी कैसे लगी। थैंक यू।